सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए दिया ज्ञापन। उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्गों के आरक्षण के वर्गीकरण के लिए जून 2018 में जस्टिस राघवेंद्र सिंह 50 सदस्य समिति के द्वारा रिपोर्ट उसको लागू करने की मांग अति पिछड़ा वर्ग महासभा संघ ने की है। महासभा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश बारी ने कहा कि सरकार ने पिछड़ा वर्ग को 3 भागों में बांटा है, जिसमें पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को इसको आरक्षण की श्रेणी में 7%, 11%, 9% आरक्षण की सिफारिश की मांग की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन देकर मांग की है कि सामाजिक न्याय समिति के द्वारा जो रिपोर्ट बनाई गई उसे सार्वजनिक करके लागू किया जाए। उन्होंने उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले 40% अति अत्यंत पिछड़ी जातियों के हित में समिति की रिपोर्ट लागू करने की मांग की है। सर, क्या पर्ची आपको? मेरा नाम है ओम प्रकाश बाजी, मैं अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज कहा विज्ञापन कहाँ पे आए हैं जी? क्या करने आज आप? दरअसल जो उत्तर प्रदेश मतलब भारत में पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण मिला हुआ है, परंतु उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने एक जस्टिस राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आरक्षण को बाइफ्रिकेट करने के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया था और उस समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है अप्रैल 2018 में सरकार को दे दी थी, परंतु मुख्यमंत्री जी ने अभी तक उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू नहीं की। त्रिस्तरीय व्यवस्था में यह है कि ग्रुप का में कुछ जातियां हैं जैसे यादव कुर्मी जाट और ग्रुप खा में कुछ जातियां हैं जैसे जायसवाल, तेली, तमोली, पटवा, चौरसिया आदि ये और ये गलेरिया, ये जातियाँ ग्रुप खा में हैं और ग्रुप का को 7%, ग्रुप खा को 11% और ग्रुप ग जो है जिसमें अत्यंत पिछड़ी जातियाँ हैं उसमें निषाद, बारी, मल्ला, केवट, बिंद आदि जातियाँ, उनको 9% आरक्षण देने का प्राविधान है। ये कमेटी राघवेंद्र सिंह, जस्टिस राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री जी ने गठित की थी और इसी लिए गठित की थी कि जो आरक्षण उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों को दिया जा रहा है उसका 75% भाग जो है यादव, कुर्मी और जाट ले रहे हैं और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों को और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को मात्र 7 से 8% आरक्षण मिल रहा है, जबकि इनकी जनसंख्या 40% उत्तर प्रदेश में है। तो 40% लोगों का अहित करके उत्तर प्रदेश सरकार 3% कुर्मी बिरादरी के लोगों का हित करने के उनके दबाव में आरक्षण लागू नहीं कर रही है। तो मेरा ये अनुरोध है, समस्त पत्रकार बंधुओं से अनुरोध है, सरकार से भी अनुरोध है कि इसको अविलंब लागू किया जाए। नहीं, ये इतना बड़ा मैटर है कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 2022 के इलेक्शन में नुकसान उठाना पड़ जाए। भैया अपना नाम और परिचय बता दीजिए। मैं समरजीत कश्यप। क्या समस्या है आप? ये आरक्षण के संबंध में हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। मैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग महासंघ उत्तर प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। यहाँ पर हम लोग आरक्षण के संबंध में आए हैं। जो माननीय राघवेंद्र सिंह जी के अध्यक्षता में एक समिति, 4 सदस्यीय समिति गठित की गई थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार को दे दिया है। इन पिछड़ी जातियों के 3 वर्गीकरण किया गया है, का खा गा, का में यादव, मौर्या और कुर्मी इत्यादि हैं, का में खा में जो हैं तेली, तमोली, चौरसिया, जायसवाल आदि हैं, गा में हैं कश्यप, कहार, निषाद, बिंद, धीवर, घोषी, ढोली, डपोली इत्यादि जातियाँ हैं। इन्हीं के आरक्षण के संबंध में प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार कुछ तथाकथित नेताओं के दबाव में, जो मौर्य यादव व कुर्मी बिरादरी के, उनके दबाव में आरक्षण लागू नहीं कर रही। हम लोगों ने प्रधानमंत्री महोदय के को संबोधित एक ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को दिया है। अगर इस पर विचार नहीं हुआ तो हम लोग बाध्य हो जाएंगे सड़कों पर उतरने के लिए और संघर्ष से कार्यक्रम करेंगे। रायबरेली से UP24 न्यूज के लिए संदीप मिश्रा की रिपोर्ट।